children good morning to all of you today we will read about paintings from your chapter history section about paintings we will read in the previous video we have read about the literature now we will read about the paintings paintings was an important art from during the medieval period places and temples were decorated with murals kings and other rich पीपल पेट्रोनाइज पेंटर्स मतलब क्या है पेंटिंग्स जो थे पहले के टाइम से ही बहुत ही फेमस थे उनके दीवारों पे उनके टेम्पल्स पे पैलेस पे सब जगह पेंटिंग से बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया जाता था नेक्स्ट इज सल्तनेट पीरियड पहला पीरियड में कौन सा पीरियड पढ़ेंगे हम लोग सल्तनेट पीरियड पे पढ़ेंगे

द कोट पे द कोट पेंटर्स मेड पेट्रीर्ट्स ऑफ किंग मतलब सब चीज़ को उसी समय से पी ए पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ और सब कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला बुक को डेकोरेट करने के लिए हर एक चीज को पेंटिंग करने के लिए नेक्स्ट इज द मुगल पीरियड पेंटिंग रीच परफेक्शंस अंडर द मुगल्स द पेंटिंग स्टाइल द डेवलप्स वॉज द सिंथिस ऑफ इंडिया एंड परशियन ट्रेडिशंस द ट्रेडिशन्स ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग्स रीच हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट अंडर अकबर जहांगीर एंड शाहजह पेंटिंग रीच परफेक्शन अंडर द मुगल पीरियड जब पेंटिंग्स जब सल्तनत पीरियड से मुगल पीरियड में आई तो उसमें परफेक्शन आ गया ठीक है परफेक्शन आ गया था पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड दॉ सिंथेसिस एंड द इंडियन पर्शियन ट्रेडिशन मतलब उसमें डेवलपमेंट हर तरीके से आना शुरू हो गया था ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड रीच हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट अंडर अकबर और उसके बाद अकबर तक आते आते एकदम पेंटिंग जो थी वो एकदम रिफाइंड हो गई बहुत ही बहुत ही परफेक्ट हो गई थी ओके okay? उसके बाद जहांगीर और शाहजहाँ तक दीज पेंटिंग्स वेयर जनरली डन ऑन पेपर बट समाइम्स ऑन क्लोथ कभी कभी क्या होता था पेपर पे पेंटिंग की जाती थी और कभी कभी क्लोथ्स पर नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ रॉयल पेट्रोनेज एम्पर अकबर एस्टैब्लिश वेरी मैनी कारखानास एंड दि वर्कशॉप्स कारखानास एंड देयर दि वेयर वर्कशॉप्स इन विच मैनी पेंटर्स वर्क बहुत सारे वर्कशॉप खोल दिए थे वहाँ कई पेंटर्स वर्क करने लगे अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सोर्स अकबर एम्प्लॉयड ओवर थाउजेंड हंड्रेड पेंटर्स कितनों के सौ पेंटर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला ही ऑर्डर द प्रिपरेशन ऑफ द लैविशली इलिस्ट्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द पर्शियन ट्रांसलेशन ठीक है ही ऑर्डर फॉर द प्रिपरेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ हमजा नामा इलस्ट्रेट मैनस्क्रिप्ट फॉर द पर्शियन ही ऑर्डर द प्रिपरेशन ऑफ लेविशलीस्ट्रेट मैनिसक्रिप्ट फॉर द पर्शियन ट्रांसलेशन फॉर हमज़ा नामा एंड इट वॉज ओवर थाउजेंड पेज कितने पेज की थी थाउजेंड पेज की थी ऑल ब्यूटिफुली एलस्ट्रेट दाबुर बाबुरा अकबर नामा एंड तूती नामा वेर ऑल्सो इलस्ट्रेट ठीक है द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड मोर अंडर जहांगीर सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप्ड हुआ था जहांगीर में ही इंट्रोड्यूस सम फीचर्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल इन टू इंडिया उसमें कुछ यूरोपियन के स्टाइल्स भी लिए गए थे सच एज सच एज द एलिमेंट्स ऑफ परस्पेक्टिव द लार्ज नंबर ऑफ़ पोर्ट्रेट्स वेर पेंटेड ड्यूरिंग दिस राइंस इसी में डेवलपमेंट हुआ था और सारी पेंटिंग्स ज़्यादातर इसी में हुए थे सम फेमस पेंटर्स ऑफ द टाइम वेर बहजाद बालचंद बासावन बिजतर बिशनदास दौलत गोवर्धन इनायत कान्हा मनोहर मंसूर मुराद नन्हा एंड शंकर सम ऑफ दी स्टेड एट द कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ शाहजहाँ मेन फीचर्स क्या थे अब इनके पढ़ेंगे हम लोग द मुगल मिनिएचर आर वेरी ब्यूटिफुल्स बहुत ब्यूटीफुल थे एंड द पेंटर्स यूज एंड द पेंटर्स यूज ब्राइट कलर्स एज पीकॉक ब्लू एंड रेड मतलब कलर्स भी बहुत खूबसूरत उन लोगों ने चुन चुन के कलर किए थे द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स आर वेरी आर वेरी वैरीड पॉपुलर थीम्स इंक्लूड सीन्स एंड रॉयल कोर्ट बैटल्स रॉयल हंडस नेचर सीन्स इस तरह की पेंटिंग्स से लोग बनाते थे जिसमें बहुत ही खूबसूरत एनिमल्स बर्ड्स फ्लावर्स थे उन लोग ठीक है एंड सम पेंटर्स वेयर एक्सपर्ट ऑन द पेंटिंग्स पोर्ट्रेट्स ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग एंड क्वीन राजा और महारानी के भी पेंटिंग्स को बनाते थे द स्किल पेंटर्स ऑल्सो डेकोरेटेड बुक्स विद ब्यूटीफुल मिनिएचर्स और बुक को भी छोटे छोड़ छोटे कार्टून से बनाया जाता था ठीक है Yeah, अब उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आप तक तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा ठीक है और रीड करिएगा बुक ओके थैंक यू